सो हे गाइस, दिस इज ओरो एक्सप्लेनर। क्या होगा अगर हम वांडा और एडम वर्टलॉक की फाइट कराएं तो कौन होगा इस फाइट का विनर? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ। सबसे पहले हम इन दोनों की पावर्स और एबिलिटीज की बात करेंगे। पहले बात करते हैं वांडा की पावर्स और एबिलिटीज की और जानते हैं वांडा के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज हैं। स्ट्रेंथ। अब वांडा एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है एमसीयू की और वांडा ने बहुत सी बैटल्स करी हैं। जैसे कि वांडा ने थानोस की आर्मी से फाइट करी थी और थानोस के चिल्ड्रन को भी आराम से किल कर दिया था फाइट में। और यही नहीं, वांडा ने अल्ट्रॉन जैसे पावरफुल विलन को भी डिफीट कर दिया था फाइट में। और वांडा ने बहुत ही पावरफुल बींग से फाइट करी है एमसीयू में और वांडा की स्ट्रेंथ बहुत ही पावरफुल है। स्पीड। वांडा की स्पीड बहुत ही तेज है और वांडा बहुत ही हाई स्पीड से फ्लाई भी कर सकती है और वांडा कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकती है और ये वर्क बहुत ही स्पीड से होता है। तो इससे ये पता चलता है कि वांडा की स्पीड बहुत ही तेज है। वांडा की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही एडवांस है और वांडा ने अपने फाइटिंग स्किल्स के बेस पर बहुत ही पावरफुल लोगों से डिफीट भी कराया फाइट में और वांडा की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही गुड हैं। वांडा की बॉडी बहुत ही ड्यूरेबल है और वांडा ने फाइट के बीच में बहुत ही पावरफुल लोगों के अटैक्स में बॉडी पर सर्वाइव भी कर लिया था और थानोस ने भी वांडा पर बहुत ही पावरफुल अटैक करा था, लेकिन उस अटैक से वांडा को कुछ फर्क नहीं पड़ता है उसकी बॉडी को। तो आपको पता लग गया होगा कि वांडा की बॉडी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वांडा अपने मैजिक के थ्रू किसी का ही माइंड कंट्रोल कर सकती है और इस एबिलिटी से वांडा और ही पावरफुल हो जाती है। और इस एबिलिटी से वांडा ने हकाया का माइंड कंट्रोल कर लिया था और उसे अपना गुलाम बना लिया था। वांडा के पास गजब का हीलिंग फैक्टर है और इसकी हेल्प से वांडा अपनी बड़ी से बड़ी इंजरी को बहुत ही जल्दी हील भी कर सकती है। वांडा जो एमसी में केओस मैजिक यूज़ करती है वो बहुत ही डेंजर मैजिक होता है और अपने मैजिक के थ्रू वांडा ने बहुत ही पावरफुल लोगों से फाइट करी और उनको डिफीट भी कराया फाइट में। वांडा अपनी बहुत ही बड़ी आर्मी क्रिएट भी कर सकती है, वो भी अपने डार्क मैजिक की हेल्प से, और अपने डार्क मैजिक से वांडा बहुत ही पावरफुल हो जाती है। और इसी मैजिक के दम पर वांडा ने स्ट्रेंथ तक को फाइट में बहुत ही अच्छी टक्कर दी थी। वांडा की रोप ओवर बहुत ही पावरफुल और वांडा इस एबिलिटी से बहुत ही हैवी से हैवी वेट को बहुत ही आसानी से लिफ्ट भी कर सकती है। वांडा किसी की पावर्स को अब्सॉर्ब कर सकती है और इस एबिलिटी से वांडा और ही पावरफुल हो जाती है। वांडा इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वांडा ने अकेले पूरी इल्यूमिनाटी की टीम को अकेले निपटा दिया था। तो इससे यह पता चलता है कि वांडा कितनी ज्यादा पावरफुल है एमसीयू में। तो अब बात कर लेते हैं एडम वर्टलॉक की और जानते हैं एडम वर्टलॉक के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज हैं जिसके पेस पर वांडा को डिफीट कर सकता है फाइट में या फिर नहीं। स्ट्रेंथ। अब एडम वर्टलॉक एक बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और एडम वर्टलॉक ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फुल टीम की जम के पढ़ाई करी थी और ये टीम बहुत ही पावरफुल टीम थी। और यही नहीं, एडम वर्टलॉक ने ग्रुप जैसे पावरफुल कैरेक्टर को भी ऑलमोस्ट किल कर दिया था फाइट में। और एडम वर्टलॉक की स्ट्रेंथ बहुत ही पावरफुल है, एडम वर्टलॉक की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही पावरफुल है और एडम वर्टलॉक ने अपने फाइटिंग स्किल्स के बेस पर ड्रैक्स जैसे पावरफुल कैरेक्टर को भी बहुत अच्छी करी थी फाइट में। और एडम वर्टलॉक ने अपने फाइटिंग स्किल्स के बेस पर बहुत ही पावरफुल लोगों को डिफीट भी करा है फाइट में। एडम वर्टलॉक का स्टेमिना बहुत ही ज्यादा है और एडम वर्टलॉक बहुत ही लॉन्ग टाइम तक फाइट कर सकता है और एडम वर्टलॉक का स्टेमिना बहुत ही हाई लेवल का है। एडम वर्टलॉक बहुत ही हाई स्पीड से फ्लाई भी कर सकता है, वही बहुत ही हाई स्पीड से, पर एडम वर्टलॉक बहुत ही हाई स्पीड से अटैक भी कर सकता है, दूसरे अटैक्स को ब्लॉक भी कर सकता है। और एडम वर्टलॉक की स्पीड बहुत ही तेज है, एडम वर्टलॉक की बॉडी बहुत ही ड्यूरेबल है और एडम वर्टलॉक ने बहुत ही पावरफुल अटैक्स को अपनी बॉडी पर सर्वाइव भी कर लिया था। और एडम वर्टलॉक की बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एडम वर्टलॉक किसी की पावर्स को अब्सॉर्ब कर सकता है और इस एबिलिटी से एडम वर्टलॉक और ही पावरफुल हो जाता है। एडम वर्टलॉक एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकता है और बहुत ही पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है और इसका एक एनर्जी ब्लास्ट बहुत ही तबाही मचा सकता है। और ये पावर एडम वर्टलॉक की बहुत ज्यादा पावरफुल पावर है। एडम वर्टलॉक की रो पावर बहुत ही पावरफुल है और अपनी रो पावर की हेल्प से एडम वर्टलॉक बहुत ही हैवी से हैवी वेट को बहुत ही आसानी से लिफ्ट भी कर सकता है। एडम वर्टलॉक के पास गजब का हीलिंग फैक्टर है और इसकी हेल्प से एडम वर्टलॉक अपनी बड़ी से बड़ी इंजरी को बहुत ही जल्दी हील भी कर सकता है। और एडम वर्टलॉक का हीलिंग फैक्टर बहुत ही पावरफुल है। तो अब बात कर लेते हैं अगर इन दोनों फाइट हो जाए तो कौन होगा इस फाइट का विनर। तो नो डाउट कि दोनों कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग हैं और इन दोनों ने बहुत ही पावरफुल लोगों से फाइट करी है और उनको डिफीट भी करा है फाइट में। और ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत ही पावरफुल हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के। अगर इन दोनों में फाइट हुई फेस टू फेस तो इस फाइट के विनर है वांडा, क्योंकि वांडा एडम वर्टलॉक से कहीं ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और पावर्स के मामले में वांडा बहुत ज़्यादा आगे है एडम वर्टलॉक से। तो इस फाइट के विनर है वांडा स्कारलेट विच। तो आई होप आपको इन दोनों कैरेक्टर से कंपेरिजन में आ गया होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट जरूर करना, क्या एडम वर्टलॉक ज़्यादा पावरफुल है वांडा से या फिर नहीं। अपना ओपिनियन मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपका ओपिनियन पढ़ना जरूर चाहूंगा। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ। और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब टू ओरो एक्सप्लेनर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।